सब बाकायदा गुंडे ही थे। इस वक्त भी वो बाकायदा गुंडे हैं, बस ये है कि कुछ उत्तर प्रदेश की हुकूमत में मंत्री हैं, दो चार MLA भी हैं, लेकिन बाकायदा गुंडे वाला अपना पेशा उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो जो सबसे वरिष्ठ थे गुंडत्व में, उन्होंने कहा साहब, राज साहब आए, उन्होंने कहा ऐसा करिएगा, अभी राज साहब आपको याद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब राज साहब पढ़ने लगे तब मुझे बताना, ये कह के अपने हॉस्टल चले गए और मोटा वाला मोबाइल उनके चेलों के पास रहता था, उनके चेले उन्हें बिल्कुल वायरलेस की तरह अलर्ट कर रहे थे। जब राज साहब पढ़ने आए तो वो बिल्कुल कुछ कर्मकांड करके अपने कमरे से आए, पीछे बोतल वोतल लगाए, जब वो स्टेज पे चढ़ रहे थे तो कुछ लोग उनको स्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, आए बिल्कुल आके किनारे बैठ गए, राज साहब शेर पढ़ रहे थे बिल्कुल इसी तरह का, इतना भव्य तो नहीं था लेकिन दिल भी इतना ही था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीने खाल का मुशायरा। तो राज साहब शेर पढ़ रहे हैं बिल्कुल वाह वाह, मतलब जिस तरह की तारीफ चल रही थी बिल्कुल जैसे शकील भाई के लिए अभी स्वागत हुआ। राज साहब शेर पढ़ रहे हैं और वो दाद भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि शराब पीने के कारण उनके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे थे। अब थोड़ी देर में उनको लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो राज साहब ने शेर पढ़ा कि महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें, महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार। राज साहब जैसे ऑडियंस को चारों तरफ एड्रेस करके बताते हैं कि महाजनों से कहो, अब मैं वैसा सुना नहीं सकता, अमिताभ बच्चन के सामने राजू श्रीवास्तव जैसी भी निकली हो जाएगी। तो कहा कि महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें, महाजनों से कहो थोड़ा इंतजार करें। तीसरी बार रिपीट किया तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, ऊपर हवा में फायर नहीं की और कहा राह साहब आप हमारी प्रतिष्ठा है, आप हमारे मान हैं, इसकी महाजन की कई सारे बीप, आप शेर पढ़िए, महाजन की ऐसी की तैसी। वो माइक पे चले आए, माइक पे बोला कौन है महाजन यार, किसकी इतनी औकात है। राहत साहब ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे आज तक इतनी बढ़िया दाद नहीं मिली। तो राहत साहब से मैं आज जानना चाहता हूँ कि तब 28 बरस हुए थे मुशायरे के सफरनामे के, अब 50 साल हो गए हैं, क्या उतनी अच्छी दाद मिली आपको। और ये भी है कि मैं